आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1.7 करने वाले हैं ना एनसीईआरटी का। देखते हैं इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका तीनों साइड क्या है, एल एल और एल है। तीनों साइड का लंबाई सेम टू सेम एल 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 है। एक कॉर्नर है ए, यहाँ है बी, यहाँ कॉर्नर है कितना सी। इस कॉर्नर पर जो चार्ज रखा हुआ है वो प्लस क्यू, यहाँ पर भी प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू, और इन तीनों चार्ज पर बारी बारी से बताना है हम लोग को कि अलग अलग कितना कितना फोर्स लगेगा, यानी इस पर कितना नेट फोर्स लग रहा है, इस पर कितना नेट फोर्स लग रहा है और इस चार्ज पर नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं जरा क्या होगा इसका सॉल्यूशन। देखा जाए सबसे पहले इस ए पॉइंट पर जो यहाँ पर एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, इस क्यू चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होगा उसको पहले पता करते हैं हम लोग। तो देखा जाए इस चार्ज पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। पहले तो ये जो है ये चार्ज इस चार्ज को इधर धकेलेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज को उधर धक्का देगा, तो इस पॉजिटिव चार्ज को उधर धक्का दिया, ठीक है। कितना फोर्स से धक्का देगा, तो इस ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पर जो इधर फोर्स लगाएगा वो फोर्स होगा कितना, कूलम्स लॉ से कह सकते हैं के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू डिवाइडेड बाय दूरी का स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय दूरी का स्क्वायर, के इंटू क्यू वन इंटू क्या क्यू टू डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि एल का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये इस चार्ज को इधर धकेलेगा, ठीक है। फिर ये निगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा ना, क्या लिख सकते हैं कि ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा और खींचेगा, लेकिन कितने फोर्स से खींचेगा, तो ये जो खींचेगा वो खींचेगा के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू डिवाइडेड बाई दूरी का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, के कूलम्स कॉन्स्टेंट जिसका वैल्यू होता है 9×10⁻⁹ इंटू क्यू वन इंटू कितना क्यू टू। अच्छा, कूलम्स का जो ये जो लॉ है के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, उसमें चार्ज को साइन के साथ नहीं लिखते हैं ना, तो के क्यू वन इंटू क्यू टू डिवाइडेड बाय क्या करना है, डिस्टेंस का स्क्वायर करना है, यानी कि एल का स्क्वायर करना है, एल स्क्वायर हो गया। तो एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो जो नेट फोर्स होगा इस चार्ज पर वो तो कुछ इधर ऐसे बीच में लगेगा, जो एफ नेट होगा वो एफ नेट तो बीच में ना होगा, एक इधर खींच रहा है, ये इसको क्या कर रहा है, इधर धक्का दे रहा है, ये इसको क्या कर रहा है, इधर खींच रहा है, तो एक इधर और एक इधर की वजह से जो नेट होगा वो किधर होगा, ऐसे बीच में आएगा, वही नेट हम लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखते हैं कि जरा इस ए पॉइंट पर कितना पहले चार्ज लग रहा है। ये जो चार्ज दिख रहा है हमको के क्यू इंटू क्यू बाय क्या एल स्क्वायर, इसको हम लोग के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर हो जाएगा, तो शॉर्टकट के लिए हम लोग इसको लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर बाय क्या एल स्क्वायर। अच्छा, के क्यू इंटू क्यू बाय क्या है एल स्क्वायर, तो क्यू इंटू क्यू मेरा क्यू स्क्वायर होता है, तो थोड़ा फ्रेश लगेगा, इसको भी लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर बाय क्या एल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो अब देखा जाए कि ये जो है इसको के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर फोर्स से इधर खींच रहा है, ये इसको इधर धक्का दे रहा है के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर फोर्स से, ठीक है। इधर लगने वाला ये फोर्स और इधर लगने वाला ये फोर्स दोनों तो सेम टू सेम है ना, तो बार बार इसको इतना बड़ा सा डाटा लिखने के बजाय हम एक शॉर्टकट लेकर के चलते हैं एफ। मान लीजिए ये जो के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर है इसको हम लोग क्या एफ से डिनोट कर दिए, मान लिए एफ, ऐसे सहूलियत के लिए। अच्छा, ये इसको जो इधर धकेल रहा है वो कितना से, के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर से, इसको भी मान लेते हैं क्या ये सेम डाटा है, इसको भी बोल दिए क्या एफ, सिंप्लिसिटी के लिए बस इसको इतना बड़ा सा डाटा को हम लोग एफ बोल दिए, इतना बड़ा सा डाटा को क्या एफ ही बोले हुए, के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर को, के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर को, ठीक। अब जो ये जो नेट फोर्स लगेगा यही नेट फोर्स हमको निकालना है। तो देखा जाए ये चूंकि एक क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका तीनों एंगल बड़ा 60, 60 और 60 होगा, 60, 60, 60। ये एंगल भी अगर बात करें तो ये एंगल मेरा क्या है 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये देखा जाए ये तो एक मेरा एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये अगर 60 डिग्री है तो बाकी बचा जो एंगल हुआ ये मेरा 120 डिग्री हुआ, तब ना 120 और 60 मिलकर के 180 हो जाएगा,
तो ये एंगल मेरा कितना हो जाएगा, ये एंगल मेरा होगा कहलाएगा कितना, 120 डिग्री। ठीक है, अब एक फोर्स लग रहा है F और दोनों के बीच का एंगल है 120 डिग्री, तो ये जो F नेट है ये हम लोग वेक्टर लॉ से निकाल सकते हैं। अगर वेक्टर अच्छा नहीं है तो फिर ये वाला क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो जाएगा। अगर वेक्टर में दिक्कत हो तो क्लास 12th के लिए रिवीजन के लिए प्लेलिस्ट में मेरे जाकर के बेसिक वेक्टर का क्लास, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर क्लास 12th, उसमें बेसिक वेक्टर का जो क्लास है उसको देख लेना है। ठीक है, ये 120 डिग्री एंगल है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ एफ नेट निकालते हैं। एफ नेट का एक फार्मूला होता है, एफ नेट का जो फार्मूला होता है वो हम लोग क्या होता है, कॉस 120 का मान -1/2, इसका जरूरत पड़ेगा अभी। एफ नेट जो है, एफ नेट का वैल्यू अगर जो निकालना है तो उसके लिए फार्मूला होता है मेरा कितना, रूट अंडर F1 square + F2 square + 2 F1 F2 cos थीटा, या फिर यू कहे कि R बराबर रिजल्टेंट का एक फार्मूला पढ़ा हुआ होगा, R बराबर रूट अंडर A² + B² + 2AB cos थीटा ना। तो उसी तरह से F1 मेरा कितना है, F ही है, F से डिनोट कर दिए इसको, इस डाटा को। अच्छा, प्लस इधर कितना लग रहा है, वही F1² + F2² + 2 F1 × F2 × cos 120 डिग्री। इसके और इसके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 120 डिग्री है। ठीक है, तो इसको जरा आप सॉल्व किया जाए तो F² प्लस है ना, 2F क्या हो गया, ये 2F² × cos 120 डिग्री का वैल्यू होता है -1/2। कॉस 120 का वैल्यू -1/2, तो 2 और 2 कट गया। अच्छा, तो इसको लिख सकते हैं एफ नेट जो होगा रूट अंडर 2F² और इधर क्या, -F² यानी कि ये हो गया एफ नेट, स्क्वायर है और रूट है, ख़त्म हो जाएगा। तो जो एफ नेट आएगा, नेट फोर्स जो आएगा वो कितना है, एफ यानी कि जो एफ नेट है ऑन क्या, ए, जो ए पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ है ये, इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है मेरा, वो नेट फोर्स कितना होगा, एफ है। एफ का मतलब, एफ किसको माने थे हम लोग, एफ किसको, इसको ना डिनोट कर रहे थे बड़ा सा डाटा को। अब इसको देखा जाए तो इसमें हमको क्या, यहाँ पे ये इतना बड़ा लिखना पड़ता, यहाँ पे भी इतना बड़ा लिखना पड़ता, तो कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम लोग इसको भी एफ मान लिए, इसको भी क्या, इधर वाले को भी हम लोग एफ मान लिए। तो ठीक है, जो मेरा एफ नेट आया, नेट फोर्स जो आया वो तो एफ ही आया, नेट फोर्स एफ आया, एफ यानी कि कितना आया, K² / L² ये मेरा क्या हो गया आंसर। ये क्या आंसर हुआ, हम लोग बोलेंगे कि जो एफ नेट लग रहा है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये जो अभी हम लोग किए हैं ये किसके लिए निकाले, ए पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ है उस पर लगने वाला नेट फोर्स निकाले, ए पॉइंट पे। अब उसी तरीके से हम लोग को बी पॉइंट पे भी निकालना होगा, बी पॉइंट पर रखे गए चार्ज के लिए निकालना होगा, सी पॉइंट पर रखे गए चार्ज के लिए निकालना होगा। तो देखा जाए, एक चीज़ देखा जाए तो इस ए पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ है वैसे ही तो बी पॉइंट पर भी चार्ज रखा हुआ है, सेम टू सेम। अच्छा, ये भी चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा ऐसे, ये निगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगा, फिर ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को इधर धक्का देगा ना, फिर नेट फोर्स क्या होगा, ऐसे आएगा बीच में। तो जैसे यहाँ पर ये चार्ज रखा हुआ है, ये चार्ज रखा हुआ है, इस पर हम लोग ऐसे ऐसे और ऐसे करके जो नेट फोर्स इस पर निकाले, सेम टू सेम वही चीज़ इसके लिए भी कह सकते हैं। तो सिमिलरली हम लोग मार सकते हैं, एकदम सिंपली लिख सकते हैं सिमिलरली, इस बी पॉइंट पर जो ये प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है इस पर भी सेम टू सेम इतना ही फोर्स लगेगा, क्योंकि यहाँ पर से ये चार्ज इसको भी अपनी ओर उधर खींचेगा, ये निगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को उधर खींचेगा, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को इधर क्या करेगा, धक्का देगा। तो जिसकी वजह से एक इधर और एक इधर, इसके बीच भी कितना, 120 डिग्री का ही ये एंगल होगा कि नहीं, ये 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल मेरा फिर से वही कितना, 120 होगा। तो जैसे उधर किए, सेम टू सेम इधर भी वही चीज़, तो इसको सॉल्व करके करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं कि जो बी पॉइंट पर रखा गया चार्ज है उस पर भी सेम टू सेम उतना ही फोर्स लगेगा। इसको अब हम जरा सा मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको यहाँ से लिख के यहाँ तक लिख लेना है, अब हम एक लाइन उसके बाद फिर लिख लेंगे, यहाँ तक कर लेना, यहाँ तक करने के बाद लिख सकते हैं एक लाइन छोटा सा कि सिमिलरली फोर्स ऑन
फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू कॉमा प्लेस्ड एट बी विल बी सेम, यानी कि दैट इज यानी कि के क्यू स्क्वायर अबाय क्या एल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अबाय क्या है ये एल स्क्वायर, जितना ए पॉइंट पर रखे गए चार्ज पर फोर्स लगेगा सेम टू सेम, बी पॉइंट पर भी रखे गए चार्ज पर उतना ही फोर्स लगेगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग यहाँ क्यू इसको इधर धक्का दिया माइनस क्यू इसको इधर खींचा, सेम टू सेम जैसा यहाँ पर माहौल है वैसा ही माहौल यहाँ पर भी बनेगा ना, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को उधर धक्का देगा, ये निगेटिव चार्ज इस निगेटिव चार्ज को इधर खींचेगा, तो बस इसके और इसकी वजह से नेट फोर्स ये बीच में निकाल लो सेम टू सेम, क्यू इस क्यू को के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इधर भी आ जाएगा, इसके इधर आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय क्या एल स्क्वायर ना, के क्यू स्क्वायर बाय क्या एल स्क्वायर इधर भी है के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, तो इसको भी इधर से हो जाएगा। और उसके बाद अब हम लोग जो है क्या करते हैं कि इसको ज़रा सा फ्रेश से एकदम मिटाते हैं, और उसके बाद सी वाले पॉइंट पर जो ये चार्ज रखा हुआ है इस पर लगने वाला नेट फोर्स अभी हम लोग पता करेंगे, ठीक है। अब उसको पता करते हैं, फ्रेश उसको मिटा देते हैं, उसके बाद उस पर बात करते हैं। सबसे पहले इसको लिख लेना है, फिगर बनाना है, उसके बाद इसको यहाँ तक कैलकुलेट करना है, उसके बाद फिर इसको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है, ठीक। अब हम लोग देखा जाए सेम वही फिगर है, अब हम लोग ये जो सी पॉइंट है इस सी पॉइंट पर जो रखा हुआ निगेटिव चार्ज है माइनस क्यू इस पर लगने वाला नेट फोर्स पता करेंगे, ये थोड़ा सा अलग तरीके से आएगा, बस इसको भी अब सॉल्व कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। देखा जाए ये इस पर जैसे लगने वाला नेट फोर्स पता करेंगे तो कैसे करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज इस निगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगा, ये पॉजिटिव चार्ज भी तो इसको क्या करेगा अपनी ओर खींचेगा, ऐसे इस तरफ क्या करेगा खींचेगा इसको ना, इस तरफ ऐसे खींचेगा, ठीक है। फिर ये पॉजिटिव चार्ज भी इस निगेटिव चार्ज को क्या करेगा अपनी ओर ऐसे खींचेगा, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा इस निगेटिव चार्ज को अपनी ओर ऐसे खींचेगा, और कितना फोर्स से खींचेगा, तो ये जो Q और Q है दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा K इंटू क्यू क्यू स्क्वायर और डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का दूरी का स्क्वायर यानी कि L स्क्वायर, जिसको हम लोग चाहें तो F बोल सकते हैं, क्या माने थे अभी ना थोड़ा देर पहले, अच्छा ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज इस निगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगा, लेकिन कितना ताकत से खींचेगा, के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू यानी कि क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर और डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का जो दूरी है एल उसका स्क्वायर, यानी इसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं एफ बोल सकते हैं, इधर भी एफ इधर भी एफ, अच्छा तो जो एफ और एफ फोर्स से खींचा गया तो नेट फोर्स क्या होगा, बीच में आएगा कि नहीं, वैक्टर से हम लोग जानते हैं नेट फोर्स, एक एफ से इधर एफ से इधर, तो जो नेट फोर्स होगा वो इधर क्या होगा एकदम बीच में आएगा, और ये एफ नेट कैसे निकलेगा हम लोग अभी अभी जानते हैं, इस पहले तो इस वाले फोर्स और इस वाले फोर्स के बीच में जो ये जो एंगल है ये एंगल मेरा कितना होगा 60 डिग्री, नहीं ये एंगल मेरा कितना होगा 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका तीनों एंगल जो है वो मेरा क्या होता है सेम टू सेम होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है यानी कि तीनों साइड का लंबाई मेरा क्या है बराबर है सारा 60 60 60, ये भी 60, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, रूट अंडर कितना हो जाएगा एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर, एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू इंटू एफ वन इंटू एफ टू इंटू क्या कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा एफ स्क्वायर टू एफ स्क्वायर प्लस एफ इंटू एफ एफ स्क्वायर और टू टू एफ स्क्वायर इंटू कॉस 60 का वैल्यू 1/2, टू टू कट गया, 2 से 2 को काट सकते हैं तो ये हो गया मेरा कितना 2f स्क्वायर में एक f स्क्वायर जुड़ जाएगा तो 3f स्क्वायर, ये f स्क्वायर से रूट स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये 3 सिर्फ अंदर बच जाएगा तो रूट 3 इंटू एफ, ये मेरा क्या f बाहर निकल गया क्योंकि स्क्वायर चढ़ा हुआ था इस पर तो f को बाहर निकाल लिए तो f नेट जो है वो मेरा कितना है रूट 3f, यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे रूट 3 इंटू f के जगह पे क्या एफ के जगह पे किसको बोले थे के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, ये सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग इसको मानते हैं ताकि हमको बड़ा बड़ा ये सब लफड़ा में नहीं पड़ना पड़े ना, कितना खराब लगेगा गाड़ी इसके जगह पे हम ये इतना इतना बड़ा बड़ा डाटा रखेंगे तो के क्यू स्क्वायर बाय क्या एल स्क्वायर इतना हो गया क्या आंसर, इतना फोर्स लगेगा
इतना फोर्स लगेगा किस पर, इस चार्ज पर, किधर, ए बी साइड जो है ना ये वाला साइड, उस साइड के तरफ लगेगा ना, टुवर्ड्स, या लिख सकते हैं किधर लगेगा, ए बी, ये वाला ए बी साइड की तरफ लगेगा। खैर उसको उतना करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप ये सब थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक है। अगर जिन लोगों को बेसिक वेक्टर का क्लास नहीं किया हुआ है वो लोग मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के बेसिक मैथमेटिक्स फॉर क्लास ट्वेल्थ और उसमें बेसिक वेक्टर का जो क्लास है उसको ज़रूर कर लें, तो फिर इसको समझने में किसी तरह का और भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस